तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सागे अपनी सोच में बसा पड़ा होता है कि ये उसका सुनहरा चांस है कि वो एक्चुअली जापान की U20 टीम को ज्वाइन कर सकता है। वो अपने गोल के कारण पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को हिला के रख डालेगा और इसी तरह वो अपनी किस्मत बदल के वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर खिला सकता है। पर इसी सब में राजी कहने लगता है, एक मिनट, फील्ड में सिर्फ 11 बंदे खेल सकते हैं और तुमने कहा ब्लू लॉक 11 मेंबर्स। तो इसी के आगे से गीगा मारू कहने लगता है, तो इसका मतलब हम में से कोई डिफेंडर भी होगा और गोलकीपर भी होगा। तो पूरी की पूरी टीम में इसी बात का तो रौला मचा होता है। ये सारे के सारे स्ट्राइकर्स हैं, मतलब कि आगे खेलने वाले, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्राइकर बनने में ही लगा दिया है, जिसका मतलब इनको गोलकीपिंग वगैरह करना बिल्कुल नहीं आती। जबकि इनके खिलाफ की टीम वो पूरे तरीके से प्रोफेशनल है, उनके पास गोलकीपर अच्छे से अच्छा होगा, उनके पास डिफेंडर अच्छे से अच्छा होगा। अब इगो जिम्पाची मॉनिटर के पीछे बैठ के कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, स्ट्राइकर्स को छोड़ के हमें जल्दी जल्दी टीम बनानी पड़ेगी। अब ब्लू लॉक के मेंबर्स अब थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे होते हैं। इसी में ईगो दोबारा से अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, आय आय तुम सब के सब भौंकना बंद करो, अब जो मैं बाकी 6 नाम पुकारने को जा रहा हूँ पूरे की पूरी टीम मेंबर्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे और यही 6% ब्लू लॉक के 6 टॉप मेंबर्स होंगे। तो यार जो ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर होता है, खैर यार तुम में से शायद हर एक को पता हो कौन होगा, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा इतोशी रिन होता है। ये सुनने के बाद इसागी अपने मन ही मन में कहने लगता है, वेल मुझे तो पता था यही नंबर 1 होगा। तभी रिन अब रैंकिंग को आगे बढ़ाता है और जो हमारा सेकंड प्लेयर होगा वो कोई और नहीं बल्कि शीदो रायोसे होता। तो यार शायद से ये सुनने के बाद तुम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होगे, मगर हाँ ये सच है, इस सागी को नंबर 2 स्पॉट नहीं मिलता। कहानी यहाँ पे भी आके खत्म ना होती, यहाँ तक हमारे इस सागी को 3rd स्पॉट तक नहीं मिलता। 3rd स्पॉट जाता है करासु ताबितो नाम के एक शख्स को। हमारे 4th रैंक पे अयोतो ईता नाम का एक और अनजान शख्स होता है। तो यार हमारे नंबर 5 पे होता है युकीमिया किन्यू। और अब इस सागी अपने दिली दिल में यहाँ से कहने लगता है, मेरा 5th रैंक भी नहीं है, एटलीस्ट यार अब आखिरी मेंबर बचा है वो मैं ही होना चाहिए। अब देखते देखते ईगो टॉप 6 का नाम पुकारता है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा नागी सेशिरो होता। वेल अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि इस सागी के बजाय नागी ही होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि अगर नागी ना होता तो एटलीस्ट बाचिरा तब भी होता, इस सागी इसके बाद होता फिर। और यहीं पे सागी अपने आप को स्पीचलेस पाता, तभी युकीमिया अब यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज मी ईगो, वेल मेरा सवाल काफी सिंपल है, आखिर तुमने मुझे 5th रैंकिंग पे क्यों रखा है और इसके साथ ही साथ मेरे और नंबर 1 के बीच में क्या ही डिफरेंस है। इसके जवाब में ईगो अब बोलने लगता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तुम 35 प्लेयर्स के बीच में सिर्फ इन्हीं 2 प्लेयर्स ने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ गोल किया, वो 2 प्लेयर्स हमारे ब्लू लॉक के रिन और शीदो है। तुम लोगों की रैंकिंग के लिए मैंने फर्स्ट सिलेक्शन के गोल्स पे नजर दौड़ाई और इसके साथ ही साथ मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स से तुम लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा और फिर आखिर में अपना फैसला लेके तुम लोगों की रैंकिंग किया। होपफुली 4 आंखों वाले मॉडल अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल ही गया होगा और इन्हीं टॉप 6 प्लेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक पेयर्स में सेपरेट किया जाएगा, मतलब के फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले को मिला के एक टीम बनाई जाएगी और दूसरी टीम 3rd और 4th को मिला के बनाई जाएगी। फिर लास्ट टीम जो की 3rd होगी वो 5th और 6th रैंक के प्लेयर्स को मिला के बनाई जाएगी। तो मेंबर्स को शामिल करते हुए पूरी टीम में सब 5 मेंबर्स ही होंगे। इसके चलते ईगो यहाँ पे कहने लगता है, बाकी 29 मेंबर्स अपनी मर्जी से कौन सी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह ये टीम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी खेल सकती है। जो सुनते सारे इस आगे अपने दिली दिल में कहने लगता है, तो ये टास्क सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए है आखिर टॉप 6 प्लेयर्स के लिए कौन कौन से प्लेयर ऑफेंस के लिए सूटेबल है और जो बाकी 29 प्लेयर्स है सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही चांस है। कभी काफी ज्यादा जज्बात से उबरते हुए कहने लगता है, तुम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, तुम लोगों के पास U20 टीम में अपना स्पॉट पाने का एक फाइनल ट्राई आउट है, इससे इतनी आसानी से यूं रायगा मत जाने देना। यहीं पे सारे लोगों में यहाँ तक एक राशि भी अपने शोलों से बढ़क रहा होता है, वो भी अब काफी कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, ये स्पॉट जरूर मेरा ही होगा। यार अगर मैं सच कहूँ तो इसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनता भी है, जो कि ये बच्चे कुचे ब्लू लॉक के 35 प्लेयर में से एक प्लेयर है। इसका मतलब इगाराशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज कर चुका है। पड़ी को यहाँ पे अब ये भी कहने लगता है, पर ये बंदे अभी भी फुली तरीके से टीम में डिवाइड नहीं हुए, वजह से टॉप प्लेयर्स की लिस्ट को अब टॉप 6 से टॉप 7 प्लेयर्स में बदला जा रहा है और टॉप 7 का ओनर किसी और को नहीं जाएगा बल्कि बातचीत को जाएगा।
जैसे कि मैंने सोचा, इन्हीं सब में अब ईगो मजीद बोलता है। और इसके साथ ही साथ तुम टॉप सिक्स एक अलग रूम में जाओगे और यहीं पर टॉप सिक्स जैसे तैसे अपने सेपरेट रूम में जा रहे होते हैं। ईगो उन्हें ये कह के होश भी दिलवाता है, चाहे जरूर तुम लोग टॉप सिक्स हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये रैंकिंग बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो इसका मतलब इस ट्रायआउट के बाद तुम्हारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है। टॉप सिक्स के चले जाने के बाद फिर ईगो बाकी 29 से सहमत होकर कहने लगता है, 29 प्लेयर्स की ट्रायल इस तरह से टॉप सिक्स प्लेयर्स पे डिपेंड कर दिया है। आखिर तुम लोग किस तरह से उनके काम आ सकते हो और उनके साथ चल सकते हो, सबसे पढ़ के आखिर अपने दम से तुम उनके सामने खुद को साबित करोगे। फिर आखिर में बस तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ सरपास ही करना है। वैसे भी टॉप सिक्स तुम्हारे रास्ते की दीवार है, हर के जरा सा भी अपना साथी मत समझना, दीवारों को तोड़ डालो और खुद इनके रास्ते की दीवार बन जाओ। तो फिर अब तुम 24 आवर्स में चूज करोगे क्या आखिर तुम किसके हाथ में अपना फ्यूचर थामना चाहते हो। इस सागी भी इन सारी की सारी बातों को सुन होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत थर्ड सिलेक्शन के डाइनिंग से होती है। और यार मैं क्या ही बताऊं, ब्लू लॉक के टॉप प्लेयर्स का स्वाद गजब किस्म के खानों से किया जा रहा होता है। इधर ही इगागोरी कहने लगता है, भाई आज की ही रात है हमारे पास, जितना खा सकते हो खा लो। सब में अपने खाने से बड़े हुए मुंह से अब रायची बोलने लगता है। वैसे हमारी छोटी मोटी टीम सेट दोबारा आपस में ना मिल पाए। हाँ सभी लोगों में फिर बातचीरा कहने लगता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था सभी लोगों के बीच में कोनेगामी का भी करियर खत्म होगा। तो चिकिरी भी उसकी बात से एग्री तो करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो आगे भी बोलने लगता है, लेकिन भाई ये ब्लू लॉक है, यहाँ पे वो होता है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होती। बस अगर हम सिर्फ U20 को हरा दें तो हमें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस तरह रायची अब दोबारा से कहने लगता है, हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, तो तुम में से किसी ने सोचा कि वो कौन सी टीम में जा रहा है? अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तो फिक्र मत करो, हम पिछले मैचेस को देख के इस बात को तो अंदाजा लगा लेंगे कि हमें कहाँ जाना है। बात चला जो कि एज यूजुअल टेंशन फ्री होता है, वो कहता है, भाई मैं तो रैंडमली कोई टीम पिक कर लूंगा। सुन के रायची चिरते हुए कहने लगता है, वेल मैं हैरान हूं कि तू आखिर टीम सेट का सबसे हाईएस्ट रैंक कैसे होल्ड करता है। चिकिरी और इस सागी के दिमाग में भी इसको लेके कोई प्लान नहीं होता। इसी बात से सहमत होकर बातचीरा फिर से कहने लगता है, जरूर टीम ए होगी या फिर टीम सी होगी। अगर तुम एक गजब किस्म के केमिकल रिएक्शंस वगैरह चाहते हो तुम जरूर नागी के पास ही जाओगे, और अगर तुम्हें गजब किस्म की टीम की तलाश में हो तो तुम रिंचा की टीम को ज्वाइन करोगे। सुनने के बाद इस सागी दिली दिल में सोचने पे मजबूर हो जाता है, रिंग के सामने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक रेस में टूटी हुई टांग से भागना। सागी सोचने लगता है, क्या मैं नागी को ज्वाइन करूं जो कि एक टच से बॉल में जान डाल देता है, या फिर रिंग को। इसी में हम इस सागी और आर्यू को ब्रश करते हुए देखते हैं। यहाँ पे आर्यू कहने लगता है कि वो ऐसी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा जिनके साथ वो पहले खेल चुका है। इससे भी वो काफी ज्यादा गुस्से में आके और सीरियस में आके कहने लगता है, वैसे इस सागी मुझे ये समझ में नहीं आता, यहाँ तक तुम अपना नाम टॉप सिक्स में लाने में भी नाकाम रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसा गजब प्लेयर आखिर एक लिस्ट में भी नहीं आया, जबकि मैं तुम्हारी बराबरी करके तुम्हें हराने का सोच रहा हूँ, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा रही है। ओए सागी ऐसे गम के डेर में अपने घुटने मत चुकाना। खैर यार एक जाता है और दूसरा आ जाता है, तो इसी तरह आड़ियों के जाने के बाद वहां पे नीको आता है। ये ब्लू लॉक के फेस वॉश भी यहाँ पे है, सब में अब नीको भी यहाँ पे बोलने लगता है, तो इस सागी तुमने भी अभी तक नहीं सोचा कि तुम कौन सी टीम को ज्वाइन करोगे। जरूर हमारा ईगो हर एक एक प्लेयर की तपती हुई आग में तेल का काम कर रहा है, मगर मानो या ना मानो मुझे लगता है इन दी एंड ऑफ अ डे में ये टेस्ट सिर्फ इतना ही जानने के लिए कि हम टॉप सिक्स के साथ कैसे चलते हैं। और जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसे मेंबर्स को चुनूंगा जहां पे मैं अपने आप को सामने ला सकूं और आगे बढ़ सकूं। मैंने ये तुमसे ही सीखा इस सागे, तुम्हें खुद अपने आप को सामने लाना पड़ता है। मेरे ख्याल में हमारा नीको मेन कैरेक्टर बनना चाहता है ब्लू लॉक का। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें टॉप सिक्स VIP रूम में दिखाया जाता है। वहीं पे ईगो मॉनिटर में अपीयर होते हुए उनसे कहने लगता है, अपने पूरे दम से यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम लोगों ने प्रूफ कर डाला है, तुम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि तुम लोग ही ब्लू लॉक के इलीट प्लेयर्स हो। तुम लोगों की टीम प्लेयर्स को इस तरह से अलग किया है, इसलिए आज से बेहतर अटैक पावर को पा सकते हो, तो तुम लोग मुझे एक ऐसी अटैक पावर दिखाओ जो कि तुम लोग अकेले में नहीं कर सकते। अकेले को तुम इस तरह से सोचो जिस तरह से तुम लोग एक सीढ़ी पे पैर के ऊपर चलते हो, और यहाँ तक तुम आपस में भी टॉप सिक्स किसी अगले को अपनी पोजीशन ना लेने देना। तुम सब लोग
अगर ब्लू लॉक की ऊंचाइयों पे खड़े हो, मैं चाहता हूँ तुम लोग चुनौती पे पूरा उतरो। दूसरे सीन में हम इस सागी को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। आखिर इन थकी हुई ट्रायआउट्स का मकसद क्या है? सागी को यहाँ पे गंदी किस्म की मुश्किल हो रही होती है कि वो कौन सी टीम को सेलेक्ट करे। क्या नहीं, मौके पे पीछे से रियो भी आके कहने लगता है, वेल सागी मेरा भी हिसाब तुम्हारे जैसा ही है। सुन के सागी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, मैंने तो समझा तुम फौरन से नागी के पास जाओगे। जिसके जवाब में रियो थोड़े सख्त अल्फाज में कहने लगता है, ओए मैं उसके मुंह से नहीं सुनना चाहता जिसने हम दोनों को अलग ही किया है। पर फिर भी रियो से मजीद बोलता है, खैर मैं इस बारे में सोच रही था, मगर इसके पीछे एक अलग किस्म की सोच मुझे तंग कर रही थी। जैसे कि सेकंड सिलेक्शन ने नागी ने तुम्हें खुद चुना, जबकि मैं ये सोच के आगे बढ़ता चला गया कि उससे मैं इस बात का एहसास दिलवाऊंगा कि मुझे छोड़ के इस सागी को चुनना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। पर उसका यूं अब टॉप 6 में जाना मुझे तो लग पता चल गया, और वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ खेलता था। से यूं आगे बढ़ता देख के मेरा कॉन्फिडेंस टूटता चला जा रहा है। मुझे तो अब यूं लगता है उसके तक पहुंचना तो दूर की बात, बल्कि उससे कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलना भी मेरी बस की बात नहीं। मुझे पता है नागी के साथ खेलना ये मेरा एक और सुनहरा मौका है, पर ऐसा करते करते मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो वो मुझसे और भी आगे निकल जाएगा। तो इस सागी भी इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है, वेल मुझे भी ऐसा ही लगता है रियो, मैं ऐसा रिंग के बारे में सोचता हूँ। पर इसके साथ ही साथ मुझे वो रास्ता सा दिख रहा है, मुझे लगता है अगर मैंने आज इसके साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश ना की तो कल एक अलग सा मकाम पा लेगा जो कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और अब सागी सब कुछ समझ आता है, यही वजह से वो अपना मोबाइल निकाल के फौरन से रिंग की टीम को मार कर लेता है। इसका मतलब वो रिंग की टीम से खेलेगा। सागी अब मुस्कुराते हुए कहने लगता है, रियो मैंने अपने ठिकाने को ढूंढ लिया और सब कुछ तुम्हारे लिए शुक्रिया। ये साबित करके दिखाऊंगा जो रास्ता मैंने अपने कदमों के लिए चुना है वो बिल्कुल ठीक है। अब आखिर तक उस सुनने के बाद रियो की भी आंखें खुले की खुली रह जाती, और उसे भी समझ में आने लगता, उसके दिमाग में ये बात बैठने लगती है, उसके दिल में ये बात बैठने लगती है, उसकी सोल में ये बात समाने लगती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में सागी रिंग की टीम को ज्वाइन करता है जो कि टीम ए होती है। इसी में ब्लू लॉक की चार दीवारी के अंदर अब अनाउंसमेंट होने लगती है। इसी के साथ वोटिंग डेडलाइन का सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपनी अपनी तशरीफे उठा के हॉल में आ जाएगा, और यहीं से टेक प्लेस लेने को जा रहा है थर्ड सिलेक्शन जो कि ब्लू लॉक का लास्ट सिलेक्शन होने को जाएगा। इसी में हम लास्ट सिलेक्शन के गैदरिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे हम मॉनिटर के पीछे से ईगो की आवाज सुनते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने वोट किया और तुम लोग की चॉइस ए और चॉइस बी को मद्देनजर मतलब के सामने रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से मेंबर्स कौन कौन सी टीमों को ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि इस वक्त तुम लोग मॉनिटर पे देख पा रहे हो, तुम लोगों के इसी पैटर्न से 5 मैचेस होंगे, जबकि फर्स्ट मैच में हम रैंडम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि टीम ए वर्सेस टीम बी का होगा। तो जो हमारे रैंडम प्लेयर्स हैं वो ननासे निजीरो, हियोरी यो, इसागी योइची। प्लीज एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा। और अब इसके बाद बारी है टीम बी की, जिसके लिए ब्लू लॉक का स्पिनर अब दोबारा से घूमेगा और 3 रैंडम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेगा। तो टीम बी में सबसे पहले शिगुमा कियोहे, सेकंड सारा मादरा उची, अब मेरा मतलब मादरा काइरो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिकेरी कायोमा। प्लीज अपनी तशरीफ के टोकरे का एक कदम आगे बढ़ाइएगा। चिकेरी का नाम सुनने के बाद इस सागी को ही तो सबसे पहले और सबसे बेहतर मालूम होता है। आखिर चिकेरी अपने पैरों में किस कदर दम रखता है, अपने पैरों में किस कदर हिम्मत रखता है, वो बस अपने एक कदम से कितना बड़ा फासला तय कर सकता है, ये बात सबसे बेहतर इसागी ही जानता है। और इसी बात की तो फिक्र अब इसागी को खाई जा रही होती है, पर फिर भी इसागी अपने मेन टास्क पे फोकस करते हुए कहने लगता है, मुझे इस तरफ अपने फोकस को बरकरार रखना है, वो बस इतना ही है कि इस टीम में रह के मुझे खुद को सामने लाना है। जबकि इस तरफ मैं नहीं बल्कि बाकी के लोग भी यही सोच रहे होंगे, इस ट्राई आउट में यहाँ तक अपने भी अपने नहीं है, यहाँ तक हमारे अपने टीममेट्स भी हमारे अपने जाती दुश्मन है और राइवल्स है। और इस सागी की टीम है, तभी नना से अपने शोल्डर्स के क्रैक निकालते हुए कहने लगता है, फाइनली वो वक्त आ गया जिस घड़ी का मुझे बेदर्दी से इंतजार था, जल्दी मैं U20 तक की गहराइयों में पहुंच जाऊंगा। जो देख के इस सागी उससे कहने लगता है, तुम अभी से काफी ज्यादा फड़फड़ाने लगे हो। जो सुन के नना से थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बाय द वे मेरा नाम है नना से,
मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो सागी भी अपना भी इंट्रोडक्शन पेश करते हुए कहने लगता है मैं सेकंड ईयर में हूँ, फिर आगे से ननास्ते कहने लगता है। तो ये बात है, आज के बाद से तुम मेरे सेंपाई हो। अभी सागी को समझ में नहीं आ रहा था कि आर्ट ऑफ बिलो इसमें ये जानून कहाँ से जागा। इसी के आगे से योरियो भी कहने लगता है, वैसे तुम्हें इतनी नरमी दिखानी नहीं चाहिए, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, नाइस टू मीट यू। तभी हम देखते हैं इस सागी की टीम आपस में काफी ज्यादा गुल मिल रही होती है, यहाँ तक निनासे और ह्योरी अपने मुंह से भी कहने लगते हैं इस टीम में तो बिल्कुल यू कंफर्टेबल लेवल फील हो रहा है जैसे कि मैं अपने घर में हूँ। और उन्हें इस सब बात का भी अच्छे से मालूम है इस जगह का नाम ब्लू लॉक है। एक परिंदे के पर मारते नासारा चपकते ही उससे लंबे में कब और कैसे तुम्हारा अपना टीममेट ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, इस बात का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका। पर जो भी यहाँ पे कोई अपनी लानत तक देना गवार नहीं समझता कि जो लोग इस सागी के चेहरे पे बढ़क रहा वो जनून वो जज्बा वो बढ़कते हुए शोले वो इंटेंसिटी बस सबको इसी से लगा हुआ है, सब इसी के दम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सागी सोचने लगता है कि हम जैसे नोबडी जिसको कोई जानता नहीं है और कोई पूछता नहीं है, हम जैसे नगवार और बेचारों का सिर्फ एक आखिरी टिकट है। अब चलते चलते ये लोग मैदान में पहुंच जाते हैं और जैसे कि ये टीम इतोशी रिन और शीदो आगे बढ़ाते हैं तो टीम ए के लीडर्स पहले से ही मैदान में मौजूद होते हैं। इससे में रिंग की नजर जैसे ही इस सागी पे पड़ती है हमारे मेन करेक्टर पे, उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये इस टीम में क्या कर रहा है। मैं पहले ही बता दूं सारे प्लेयर्स के बीच में सिर्फ इस सागी ने ही रिंग को आज तक हराया है। जरूर चंद लम्हे के लिए सही लेकिन उस दौरान ने रिन ने उसकी खुद दाद दी थी। हाँ, ब्लू लोक का एक अकेली जात इस सागी सिर्फ इस सागी ने ही आज तक रिंग को हराया है जो कि ब्लू लोक का नंबर वन प्लेयर है और जिसमें सागी रिंग को ओवर पावर करता है वो वाली एपिसोड में अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पे अपलोड कर चुका हूँ। खैर यार ठीक, बिल्कुल इनके सामने टीम बी खड़ी होती है और जो टीम बी का टॉप प्लेयर्स होते हैं वो करासू और ओतोया होते हैं। देखते वो घड़ी आ जाती है जिसको हर दरकते हुए दिलों का इंतजार होता है। दोनों टीम्स आमने सामने खड़ी और इनके बीच में मैच शुरू होता है और इनके गोलकीपर एज यूजुअल ब्लू लोक के अपने होलोग्राम्स होते हैं। यही पे रिन अब किक ऑफ से गेम शुरुआत करने को जा रहा होता है जहाँ पे इससे पहले शीदो से सहमत होकर कहने लगता है ओए सिगरेट के पिछवाड़े, ये कहते हुए रिन गेम की शुरुआत किक ऑफ से करते करते बॉल शीदो को पास करता है। वहीं पे साकी भी आगे बढ़ते बढ़ते अपने दिली दिल में कहने लगता है मैच के दम से आज मैं अपने आप को प्रूफ करके ही रहूंगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।